आपने महिलाओं को किस तरह से देखा है? कतरनों में लिपटी, कतार में खड़ी, कातर निगाहों से आगे का रास्ता खोजती किसी बेचारी की तरह, या फिर कभी लटों को संभालती, पल्लू बचाती, दहलीज के अंदर ही दुनिया समझने वाली की तरह? महिलाओं की शायद यही दो तस्वीरें हमारे समाज की सच्चाई रह जाती अगर आज़ादी के बाद कई महिलाओं ने इस तबके का चेहरा ना बदल दिया होता। नमस्कार, मैं भावना जी हिंदुस्तान हिंदी डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आज़ादी के 75 सालों के इसी पहलू के साथ हाजिर हूँ जो महिलाओं की बात करता है। टीवी पर एक सरकारी विज्ञापन आता है जो महिलाओं के लिए कहता है, स्वस्थ समाज की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, यानी आपसे। कहने सुनने में आसान से लगने वाली ये बात इतनी आसान नहीं थी अगर इसे इंदिरा गांधी, करणम मल्लेश्वरी, टेसी थॉमस, इरोम शर्मिला और मेधा पाटकर जैसी महिलाओं ने आसान नहीं बना दिया होता। इस कहानी की शुरुआत करते हैं 20वीं सदी के गुलामी वाले दौर से। ये कोई 1930 वाला साल रहा होगा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई योजना बनाई और ये दस्तावेज जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेहरू कड़े पहरे में थे और पुलिसिया निगाहें इस इंतज़ार में जमी थी कि कब नेहरू किसी क्रांतिकारी को वो कागज़ सौंपे और उसे जब्त कर लिया जाए। 13 साल की एक लड़की से ये परेशानियां छिपी नहीं थी। उसने अपनी वानर सेना को इस काम पर लगाया। बच्चों ने स्कूल बैग उठाए और कॉपी किताब के बीच उस दस्तावेज को पार करा दिया। 13 साल की ये लड़की कोई और नहीं, इंदिरा गांधी थी, जिन्हें उस समय प्रियदर्शिनी कहा जाता था। बिना इंदिरा गांधी के आधुनिक महिला सशक्तिकरण की बात करना बेमानी सा लगता है, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिसने पहली बार साबित किया कि एक महिला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और यहाँ तक कि पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन सकती है। दुनिया इतिहास बदलती है, इंदिरा गांधी ने भूगोल बदल दिया। बात महिलाओं की उन्नति की हो रही है तो मेधा पाटकर की शख्सियत को याद करना फर्ज बन जाता है। 1954 में जन्मी मेधा पाटकर ने सोशल वर्क की पढ़ाई को ही अपनी असल जिंदगी बना लिया। देश जब 1985 वाले साल में पहुंचा तो नर्मदा नदी पर बनने वाला एक बांध जल, जंगल और जमीन का गला घोटने पर आमादा था। तब मेधा पाटकर आदिवासियों को साथ लिए आगे आती है और नर्मदा को बचाए जाने की गुहार लगाती है। उनकी ये गुहार नर्मदा बचाओ आंदोलन की गूंज बन गई और महिलाओं को खुद में भरोसा दिखा कि वो सिर्फ घर संभालने वाली दोयम दर्जे की नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर समाज की सशक्त आवाज़ भी बन सकती है। महिलाओं की ताकत बताने वाली इस कहानी में अगला पड़ाव आता है, साल 2000 का। ये साल इसलिए भी खास है क्योंकि करणम मल्लेश्वरी ने महिला सशक्ति वाले शब्द को असल मायनों में जीकर दिखाया। मैदान सिडनी, मुकाबला ओलंपिक का, और बात थी वजन की। उस दिन मल्लेश्वरी ने अपने कंधों पर 240 किलोग्राम वजन नहीं उठाया था, बल्कि उन्होंने भारत की आधी आबादी की उम्मीदों को ऊंचा उठाकर ये दिखा दिया था कि महिला होना कमज़ोर होना नहीं है। उस साल भले ही तमगा कांसे का आया, लेकिन करणम मल्लेश्वरी ओलंपिक से सुनहरी उम्मीदें लाने वाली पहली महिला भारतीय बनी थी। 2000 वाले दौर से आगे बढ़ें इससे पहले एक कहानी और सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मणिपुर का मालोम बस्तर, तारीख 2 नवंबर, सन 2000। एक कवयित्री बस स्टैंड पर खड़ी थी। सुरक्षा बलों का एक दस्ता पहुंचता है और 10 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उन्हें भून देता है। कवि हृदय रो पड़ता है। इस दृश्य को देखकर जिस आंख से आंसू बहे वो आंखें थी इरोम शर्मिला चानू की।
रोम की लड़ाई थी पूर्वोत्तर में लागू उस कानून से जिसे आफ्सपा कहते हैं। उन्होंने 16 साल तक लड़ाई लड़ी। दिल्ली की एक अदालत में इरोम ने आंख में आंसू भरकर कहा था, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, प्रेम करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले ये चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम हटा लिया जाए। वे 16 साल तक इस एक इच्छा के लिए लड़ती रही। अपनी लड़ाई में इरोम कितनी जीती कितनी हारी ये अलग मुद्दा है, लेकिन इरोम जिस जगह जाकर जीत गई है वो जगह महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर है। हम आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर कलाम साहब तो मिसाइल मैन हैं, लेकिन क्या आप मिसाइल वुमेन को भी जानते हैं? मैं बताती हूँ, डॉक्टर टेसी थॉमस वो पहली महिला हैं जिन्होंने देश के मिसाइल प्रोजेक्ट की कमान संभाली है। अप्रैल 1963 में जन्मी टेसी को अग्निपुत्री भी कहा जाता है। अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4 मिसाइल की कोर टीम का हिस्सा रहने के साथ ही टेसी थॉमस को इनके सफल अभियानों के लिए भी जाना जाता है। महिलाओं को कमतर समझने वाले लोगों के लिए टेसी वो नाम है जो बताती हैं कि महिलाएं ही हैं जो आग को चूल्हे में झोंक दे तो परिवार का पेट भरती है, और इसी आग को जुनून में मिला दे तो देश की सुरक्षा भी कर लेती है। टेसी सिर्फ एक नाम नहीं, हमारा गर्व है। नामों की ये फेहरिस्त इतनी भी छोटी नहीं है कि उंगलियों पर ही गिन ले जाए, ये बहुत बड़ी है। और खुशी की बात ये है कि लगातार बड़ी हो रही है। आज़ादी के इस 75वें साल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो खेल, विज्ञान, राजनीति जैसे तमाम क्षेत्रों में महिलाएं अपना दबदबा बना रही हैं। सब बराबर के सिद्धांत को मजबूती दे रही हैं। इसी के साथ मैं भावना आपसे लेती हूँ विदा। आज़ाद भारत की ये 5 कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर, सुनाएंगे नई दास्तान। देखते रहिए जी हिंदुस्तान। धन्यवाद।